हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के पेपर फिजिक्स की मार्किंग स्कीम के बारे में। आपको पता होगा अभी सीबीएसई ने हाल ही में सैंपल पेपर लॉन्च किया है और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग स्कीम भी तैयार की गई है। तो मार्किंग स्कीम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सैंपल पेपर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा चेंजेस इसमें आया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है। सैंपल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्या क्या क्वेश्चन हटाया गया है, तो आप वहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया, कितने परसेंट, 30% रिड्यूस करके सिलेबस 70% तक कर दिया है। उसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है कि 50% सिलेबस भी होने वाला है। ठीक है, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बट न्यूज़ आ रही है, कुछ न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि सीबीएसई जो है अपना सिलेबस 50% भी करने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो 30% के लिए आया है कि सीबीएसई ने 30% रिड्यूस करके अपना न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया है। इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बना हुआ है इस बार का, उसमें आप देख सकते हैं जो पेपर का जो लेवल है वो पहले जैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। सैंपल क्वेश्चन में आप देखेंगे 70-80% क्वेश्चन आपको लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसी को सैंपल पेपर में पेस्ट किया गया है। मान के चलिए कि कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया पूरी तरीके से। तो जो भी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप देखेंगे 5 ईयर्स का पेपर, उसमें 70-80% क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, किसमें, सैंपल पेपर्स में दिख जाएंगे। तो ये हुआ सैंपल पेपर की बात। अब सैंपल पेपर में मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है कि किसमें कितना कितना किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से बोल सकते हैं, वहाँ पे अपने को पैटर्न मिलेगा, नया पैटर्न, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हो, पैटर्न को समझते हो, तब आपको एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी और नंबर गेन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान समझिए, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स मार्किंग स्कीम 2020-21 की, जो लेटेस्ट है, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वो इसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होने वाला है जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया है। जो मार्किंग स्कीम बेस्ड है वो किसके बेस्ड में है, सैंपल पेपर के बेस्ड में। सैंपल पेपर जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग स्कीम बनाई गई है। इतना क्लियर है। चलिए आगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 33 होंगे। जैसे पहले लास्ट ईयर आप देखें 36 क्वेश्चन थे, इस बार कितना हो गया, 33 क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, ये भी कोविड-19 के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। कोविड-19 का जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस को क्या किया गया है, रेगुलेट किया गया है, चेंज किया गया है। इतना क्लियर हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 33 होंगे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सेक्शंस में ये क्वेश्चन पेपर आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मार्क वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 14 तक मतलब 14 क्वेश्चन टोटल जो होंगे वो कितने होंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 14 तक जाते हो, तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब 1 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन में क्या क्या होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1 लाइन वाले क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक होगा, जैसे पहले भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा करता था। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो एसएसआर रीजनिंग MCQs होंगे। SSR रीजनिंग MCQs, आप जैसे JEE मेंस की तैयारी करते हो, JEE एडवांस की तैयारी करते हो, तो उसमें SSR रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसी बेस में होगा क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 क्वेश्चन जो होगा वो आपका SSR रीजनिंग MCQs होंगे। इतना क्लियर हुआ। इसमें अब चॉइसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगा। तो यहाँ पे टिक करता हूँ। तो सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिल जाएगा यहाँ पे। इंटरनल चॉइस मतलब यह है कि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। हो सकता है 1 में ना दिया हो, 2 में ना दिया हो, हो सकता है 4 और 5 में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाए, तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 में आपको इंटरनल चॉइस मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी 4 मार्क्स ईच, मतलब सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इसमें सभी क्वेश्चन में या दोनों क्वेश्चन में बोल सकते हैं 4-4 मार्क्स रहेंगे। 4 टू 2 कितना हो गया, 8 मार्क्स का। टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, ये चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का दिया जा रहा है। लास्ट ईयर एक भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस स्टडी बेस्ड मतलब फिजिक्स का जो फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, तो इस टाइप के फिनोमेना के ऊपर आपको क्या दिया रहेगा, एक स्टडी दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए, टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड। उस पैराग्राफ से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन आपको दिए तो उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स, मतलब उसमें से 4 पार्ट्स आपको क्या करनी है, अटेम्प्ट करनी है। समझ में आ गया? तो आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा किसी फिनोमेना को लगे फिजिक्स का, उस पैराग्राफ के ऊपर आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन मतलब वहाँ पे 1-1 मार्क्स का होगा। तो टोटल ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन, तो 4-4 पार्ट्स अटेम्प्ट करना है, मतलब कितना हो गया, 4 × 2 = 8, तो टोटल 8 मार्क्स का यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेगा 4-4 मार्क्स का। समझ में आ गया? 4-4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें सब पार्ट आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 2 मार्क्स ईच, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, 9 × 2 = 18। समझ में आ गया? 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो मार्क्स होगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक आपको मिलेगा क्या, सेक्शन सी का 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप पढ़ोगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा, उसको सिर्फ आपको वहाँ पे आंसर लिखना है। इसमें भी 2 छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले 2 क्वेश्चन को मिला के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है, उसमें 2 पार्ट भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले पे, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा रहा था 2 मार्क्स वाला, वो चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही है, आपको वैसे ही तैयारी करनी है जो प्रीवियस ईयर 2-3 साल का पेपर आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और इसको बहुत लोग बना के आते हैं, 100% ये बनता ही है। तो ये मान के चलिए यहाँ से आपका स्कोरिंग है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी की बात करते हैं, 3 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 26 to क्वेश्चन नंबर 30, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, मतलब 5 × 3 = कितना हो गया, 15 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। 15 मार्क्स मतलब बोल सकते हैं 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें शॉर्ट आंसर की जगह में लॉन्ग आंसर होना था थोड़ा, मतलब ये मान के चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा लॉन्ग टाइप का बनेगा। लॉन्ग टाइप का मतलब ये है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे 1, 2 और 3, और तीनों को 1-1 मार्क्स में दे दे। समझ में आ गया? तो इसमें मान के चलिए 2-2-3 क्वेश्चन का ये कॉम्बिनेशन रहेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको एक सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 2-3 पार्ट्स रहेंगे अलग अलग, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसा करके 3-3 पार्ट्स रहेगा। तो ये बोल सकते हो ये शॉर्ट आंसर से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, भले एक एक लाइन में आंसर होगा, 2-2 लाइन में आंसर होगा, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, 3 अलग अलग क्वेश्चन इसे मिल सकते हैं, या उसी टॉपिक के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कोई भी एक टॉपिक पे। समझ में आ गया? तो ये कितने मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, और ये भी पुराने जैसा ही पैटर्न है, पुराना जैसा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था वैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको मान के चलिए सेक्शन ए में इंटरनल चॉइस मिल गया, सेक्शन सी और डी में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, बी में इंटरनल चॉइस नहीं है, आप बोल सकते हो कि 5 में से 4 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये तीनों में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगा, वो भी 1 से 2 क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं, आपको 2 या यहाँ पे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पे 1 क्वेश्चन मिल जाए, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको इंटरनल चॉइसेस यहाँ पे मिल सकता है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपके लिए स्कोरिंग है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब क्वेश्चन 1 to 10 कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन 7 to 25 कोई चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन 26 to 30 भी कोई चेंजेस नहीं है। ये पैटर्न पहले भी पूछा जाता था 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ई, सेक्शन ई में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और तीनों क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 3 होंगे, टोटल मिला के कितना मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स, मतलब ये समझ में आ गया यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 मार्क्स से, मतलब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के मिलेंगे, 5 मार्क्स वाले, मतलब 3 क्वेश्चन, और इसमें भी और रहेगा, इसमें इंडिविजुअल और रहेगा, मतलब ये है कि आपको कोई भी एक पार्ट सॉल्व करना है, 31 में भी और रहेगा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 32 में भी और रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, इसमें भी और रहेगा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का रहेगा, तो आपको कोई भी एक पार्ट सॉल्व करना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा पूछा जाता था, ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें डेरिवेशन क्वेश्चन हो सकते हैं, डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे फार्मूले वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो दोनों को मिला के पूछा जाता है इसमें, मतलब ये मान के चलिए ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन को मर्ज करके एक साथ पूछा जाता है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल हो सकता है, डिवाइसेस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पे पैटर्न आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, इतना क्लियर हुआ।
तो इस बार का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनाया गया है, वो भी कोविड-19 के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब काफ़ी चेंजेस तो बोल सकते हो कि हुआ है। मतलब ये है कि आपको टाइम टेकन के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका क्वेश्चन, ये बोल सकते हो आप। सिर्फ पढ़ना है आपको, सॉल्व करना है, ये सब में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है 4 मार्क्स में। सिर्फ आपको लिखने का काम करना है ये क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 33 में। तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक का जो क्वेश्चन है ये आपको लिखने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ेगा आपको, बाकी आपका टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, मतलब टाइम बहुत कम लगेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरीके जब टोटल काउंट करेंगे टोटल मार्क्स होगा 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मतलब पेपर के मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ क्वेश्चन का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मतलब थोड़ा कॉम्पिटेटिव टाइप का पैटर्न कर दिया गया, जैसे ये SSL रीजनिंग वाला कॉम्पिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हो। तो इसके लिए अभी नई नई बुक्स आएंगी, नए नए चेंजेस आएंगे, तो और भी आपको कुछ सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे मार्केट में। कुछ दिन बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सैंपल पेपर आपको यूज़ करना है, किस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कौन सी बुक्स में कैसा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सब आपको नया अपडेट मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो ये मान के चलिए कि आपको इसी पैटर्न्स में तैयारी करना है और जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आसानी होगी। समझ में आ गया? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने होंगे, टोटल 33 होंगे और इसी के बेस में सैंपल पेपर बना हुआ है। और सैंपल क्वेश्चन में सैंपल क्वेश्चन आप देखेंगे, सैंपल पेपर का जो 2021 का जो पेपर लॉन्च हुआ है आप देखेंगे, वहाँ पे आपको कुछ नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब पुराने क्वेश्चन ही है। लास्ट 5 ईयर का पेपर आप निकाल के देख लो, वहाँ से आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और एक बार मैं आपको बोलूँगा कि मार्किंग स्कीम आप भी देखिए जाके, मार्किंग स्कीम कैसा दिया गया है, कैसा स्टेप वाइज उसमें मार्क्स डिवाइड किया गया है, कब कब कौन सा में कितना लिखने पे कितना मार्क्स मिलता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपको बहुत अच्छा नंबर गेन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पैटर्न से आपका एग्जाम होने वाला है और आपको ऐसे ही तैयारी करना है। अभी तक का जो अपडेट था वो इसी के अकॉर्डिंग था। इतना क्लियर हुआ? तो उम्मीद है आपको मार्किंग स्कीम का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। एक चीज़ और, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा कि सैंपल क्वेश्चन पेपर का लिंक, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसा इस बार का सैंपल क्वेश्चन पेपर है और साथ ही साथ उसकी मार्किंग स्कीम, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।